नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, एक नेशनल कैपिटल दिल्ली में है। और वैकेंसी काफी अच्छी है इसमें, सैलरी फैसिलिटी सब कुछ अच्छा रहता है और सैलरी भी काफी होती है और इसमें इतना वर्कलोड भी नहीं होता। और इस फील्ड को भी अप्रोच करो, इसमें कंपटीशन बहुत कम है, वर्कलोड बहुत कम है और इज्जत भी अच्छी मिलती है और इस लाइन में भी जा सकते हो आप लोग। और वीडियो विदाउट स्किप करके देखना, कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। और देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इस कैटेगरी में हम फिट नहीं होते, बट बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में फिट होते हैं। तो उनके लिए वीडियो है, कभी आपके लिए आता है, कभी फ्रेशर की जॉब आती है, कभी किस कैटेगरी की जॉब आती है, जिसमें फ्रेशर में काफी सीनियर लोग होते हैं वो फिट नहीं होते। 30 साल होती है आपको पता है मैक्सिमम एज, तो जो सीनियर हो जाते हैं वो आउट हो जाते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीजें चलती रहती है, पर वीडियो देखा करो जिससे आपको पता चले, क्योंकि फ्यूचर में आप भी अगर जॉब नहीं लगोगे तो आप भी सीनियर ही होगे और एक्सपीरियंस आपके पास भी हो जाएगा। तो सब चीज चलती रहती है, ये सर्किल है, घूमता रहता है, तो सब चीज को समझ के चलना चाहिए। अब बात करते हैं पहली वैकेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में निकली है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में निकली है और ये एडवर्टाइजमेंट है, इसमें लिखा हुआ है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU इज द वर्ल्ड फर्स्ट ओनली यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंस। चलो इसको तो क्या पढ़ूं, इसमें डेट पढ़ लेते हैं अपन। 14 मार्च 2024 ये डेट स्टार्ट हुई है फॉर्म की, 14 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूं मैं आपको, NFSU.ac.in, कैरियर पे जाके आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें वैकेंसी बहुत सारी आई है, आपकी वैकेंसी की बात करते हैं। देखो इसमें स्कूल ऑफ बिहेवियर की है, स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी की है, स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस की है, स्कूल ऑफ लॉ, ये प्रोफेसर की वैकेंसी में है 4 पोस्ट, अदर्स में 2 है, एसटी की नहीं है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 है, टोटल 4 है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में लॉ की पोस्ट है 6, ठीक है। ये स्कूल ऑफ लॉ फॉरेंसिक जस्टिस में है, पॉलिसी स्टडी लॉ की पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर में 2 है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 है और असिस्टेंट प्रोफेसर में EWS में 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर में 2 है। टोटल मतलब 6 पोस्ट है और इस वैकेंसी को मिला के 10 पोस्ट आई है। इसमें ऊपर वाले में 4 है और एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, टोटल मिला के 10 पोस्ट है। 14 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन थोड़ी हार्ड कर रखी है बट PhD करना जरूरी है आपको। PhD कर लो, मैं आपको कह रहा हूँ नेट और PhD कर लो, पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बाद में नेट और PhD के बेनिफिट बताऊंगा एंड बता दूंगा वीडियो के। तो देखो इसमें लिखा हुआ प्रोफेसर की सैलरी रहेगी 1,50,000 के, 1 लाख मतलब 59,000 के आसपास रहेगी सैलरी, एंट्री लेवल लिखा हुआ है इसमें साफ साफ। मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 60% और PhD होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें यह भी लिखा है और आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग PhD डिग्री लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। मतलब PhD होनी चाहिए बेसिकली, LLM आपने लॉ करी हो, 3 साल वाली 5 साल वाली करी हो, फिर PhD कर लियो आपने। एसोसिएट प्रोफेसर में भी सैलरी लिख रखी है 1,39,000 के आसपास रहेगी और वही PhD के बारे में बता रखा है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बता रखा है सैलरी रहेगी 70,000 के आसपास और वही PhD और मास्टर डिग्री में 60% होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं इसमें और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और इसकी फीस है 1,000 रुपए, ठीक है। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, एग्जम्पशन है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप और वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो, कोई फीस नहीं लगेगी उनकी और वैसे 1,000 रुपए फीस है। अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है दिल्ली में, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये लिख ली है डॉक्टर B.R. अंबेडकर यूनिवर्सिटी में लिख ली है, दिल्ली एक्ट 2007 बाय लेजिस्लेचर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली B.R. अंबेडकर यूनिवर्सिटी। चलो इसके बारे में तो मैं क्या पढ़ूं, आगे वैकेंसी इसमें भी बहुत सारी लिख ली है। और तो अपन चलते हैं सीधा अपनी वैकेंसी, 5th पॉइंट पे अपनी वैकेंसी है स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है। स्कूल ऑफ लॉ में ओबीसी में 1 है, प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में ओबीसी में 2 है 1 है और एससी में 1 है, एसटी में नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर में इसमें वैकेंसी नहीं है। टोटल 67 वैकेंसी है इसमें, उसमें से 5 फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है और प्रोफेसर की सैलरी रहेगी 1,140,000 से लेकर 2,18,000 तक
रहेगी, और असोसिएट प्रोफेसर की सैलरी रहेगी 1,30,000 से लेकर 2,10,000 तक। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी रहेगी 57,000 से लेकर 92,000 तक, और ये सैलरी काफी अच्छी है, लेवल 10, 14, 13 है, तो काफी अच्छी सैलरी है इसमें। इसमें भी वही सेम चीज है, आपके पास पीएचडी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में, और इसमें लिखा हुआ है, मैंने फोटो लगा दिया आपको स्कूल और लॉ का, इसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ने बता रखी है आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, वही पीएचडी हो आपके पास, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसमें आगे चलते हैं, डेट की बात कर लेते हैं। देखो इसमें डेट है 15/3/2024 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट है 8/4/2024, 8 तारीख, मतलब इस महीने की 8 तारीख लास्ट डेट है इसमें। और इसकी फीस है ₹1,000, नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट बिलोंग टू एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वुमेन कैटेगरी। सेम चीज है वही, तो जो एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वुमेन कैटेगरी उनके लिए कोई फीस नहीं है, वुमेन कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से हो वुमेन्स, उनके लिए कोई फीस नहीं है, और वैसे ₹1,000 फीस है। बाकी इसमें बहुत सारा कुछ लिखा है, मैं रीड नहीं कर रहा। और अब बात करते हैं, देखो नेट एलएलएम और पीएचडी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कई बच्चे पूछते हैं सर एलएलएम करे ना करे। देखो जिसको टीचिंग लाइन में जाना है ना, टीचिंग में प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो एलएलएम करे, नेट करे और पीएचडी भी करे। नेट या पीएचडी में से एक चीज तो करे ही करे, इसमें पीएचडी मांग रहे, तो नेट और पीएचडी का ये बेनिफिट है आपका, आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो लॉ से रिलेटेड हो उसमें आप गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट हो सकते हो। कभी ऐसी वैकेंसी आती है जो गवर्नमेंट की होती है, रेगुलर बेस परमानेंट जॉब होती है, उसमें ये मांगते हैं केवल कि आपके नेट हो पीएचडी हो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आपके कॉलेज में अच्छे नंबर है, सब चीज बढ़िया है, आपका गुड कैरेक्टर है कोई, तो आप सेलेक्ट हो जाते हो और परमानेंट जॉब हो जाती है। और देख लो आप सैलरी, सैलरी लगभग 19-20 ही रहती है, ऐसी ही सैलरी रहती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की काफी अच्छी सैलरी रहती है, प्रोफेसर आप सीनियर हो जाते हो प्रमोशन होके, इनिशियली सबसे जो टीचिंग लाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर प्रोफेसर है, जैसे प्रोफेसर हो जाते हो आप डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकते हो, आपने पीएचडी कर रखी है, आप चाहे सेलेक्ट भी हो जाओ किसी फील्ड में, पीएचडी करो, आपको प्लस पॉइंट ये होगा कि फ्यूचर में आप जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हो आप उस कॉलेज के डायरेक्टर भी बन जाते हो, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन ही पीएचडी होती है, कई चीजें होती है। तो इन चीजों को आगे बढ़ो, इसको मतलब इस फील्ड में भी जाओ, जुडिशरी तो है ही, अब देखो थोड़ा बहुत इधर उधर तो जाना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि एक के पीछे भागो। ये उनको कह रहा हूँ जिनको 2-3 बार दे चुके हैं जुडिशरी का पेपर, और भी वैकेंसी का पेपर दे चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो जुडिशरी का पेपर दें। जुडिशरी से अच्छी नौकरी कोई नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, अब तो गाड़ियां भी मिलने लग गई हैं, और मैंने उसके बारे में बताया, और इतने सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं। बट जो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक चीज के पीछे मत भागो, किसी और चीज को भी अप्रोच कर लो। अगर आपने जुडिशरी ट्राई कर लिया, आपका नहीं हो रहा, या किसी और फील्ड को ट्राई कर लिया उसमें भी नहीं हो रहा, तो ठीक है, मेरा बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग समझदार हो, मेरे से सीनियर भी हो सकते हो, मेरे से ज्यादा समझदार भी हो सकते हो, जो आपको सही लगे वो करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी हो चाहे सिविल जज की वैकेंसी हो टाइमली बताता हूँ आपको। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हाय लो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।